आज आप लोगों को कुछ एल्युमिनियम के वायर पे मैं रिकवरी दिखाऊंगा। कुछ वायर मैंने परचेज किए हैं, मंगाए हैं आप लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉपर के प्राइस डाउन हो रहे हैं, और डेली की अपडेट के लिए आप रिजवान सेफी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें, जिससे आपको पर डे अपडेट मिलता रहे एल्युमिनियम का, कॉपर का, हनी का, ब्रास का और एसएस का क्या रेट है। तो चैनल के टॉप में ही आपको पर डे का वीडियो मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के भाई आपका वीडियो। ये सबसे पहले है, ये 4 mm एल्युमिनियम का सिंगल कोर वायर है। ये हमने 100 ग्राम लिया है, इसकी रिकवरी बताएंगे कितनी है। उसके बाद में ये है अपना 16 mm का टू कोर का। उसके बाद में ये लिया है आर्मर्ड में है 16, ये 20 mm का वायर है, टू कोर में है, ये भी आर्मर्ड वायर है जो मीटर वगैरह में यूज होता है। ये भी मीटर में यूज होता है और ये वाला भी मीटर में यूज होता है। उसके बाद में लिया है ये 4 कोर का 25 mm का वायर, ये भी आर्मर्ड है। और ये लिए हैं फिर, ये 30 mm है, ये 35 mm है, 4 कोर में और 3.5 कोर में। इन दोनों की भी मैं आपको रिकवरी बताऊंगा। ये आधा आधा किलो हमने वेट लिया है, ये सारे 100 100 ग्राम लिए, इनकी सबकी रिकवरी बताऊंगा, एक एक वायर की अलग अलग, पूरी वीडियो के साथ जुड़े। और आज हम ट्रायल करेंगे B10 मॉडल पर। सौ ग्राम वायर लिया है, आपने वेट देख लिया है, अब हम इसको फटाफट निकालते हैं, उसकी रिकवरी चेक करते हैं। ये 4 mm का वायर था जिसका हमने लिया है, ये हमने एल्युमिनियम निकाला है 51%, मतलब ये मेरा 50% का इसका एवरेज है। इस वायर का सिंगल कोर का जो एवरेज है वो 50% का है। 4 mm का 50% का एवरेज है सिंगल कोर का। अब ये 16 mm का टू कोर का, इसका वेट करते हैं। 98 ग्राम वेट है इसका, अब हम इसको निकालते हैं। पहले हमारी ऊपर की कटिंग हुई है, अब ये अंदर के निकल गए। पच्चीस परसेंट की रिकवरी, जैसे कि मैं बताता हूं, टू कोर के एल्युमिनियम वायर में 8 mm हो, 10 mm हो, 12 mm हो, 16 mm हो, 25% रिकवरी होती है इसके अंदर, 25%। अब हम यूज करेंगे 16 mm आर्मर्ड वायर टू कोर में। एक सौ पांच ग्राम अब हम इसको निकालते हैं। 10% की रिकवरी सिर्फ। 16 mm आर्मर्ड वायर में
10% की रिकवरी है। 25 mm आर्मर्ड वायर 4 कोर में, पच्चीस परसेंट की रिकवरी। अब ये 30 mm 483 ग्राम, मतलब लगभग आधी किलो। परसेंट की रिकवरी है इसके अंदर, ये 20% निकला। अब ये 4 कोर का है, नॉन आर्मड वायर है, ये बिना आर्मड वाला है। ये नॉन आर्मर्ड था, इसके अंदर आपकी 25% की रिकवरी थी, और जो आर्मर्ड वाला था उसके अंदर आपकी 20% की रिकवरी थी। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें माल में अब ये पीवीसी निकली है, ये कलरफुल है, ये पिकस है, नाइलॉन बोल देते, और ये रबड़ है। ये 3 से 4 रुपए किलो का प्राइस होता है इसका, और कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। ये वाला जो है ये पीवीसी है, इसका प्राइस होता है। अब ऐसे ही इसमें ये पीवीसी है, इसका प्राइस होता है, इनका प्राइस होता है। लेकिन एक ये वाली आती है पिक्कस में, बिल्कुल ऐसी ही इसी टाइप की पिक्कस होती है, इनका कोई प्राइस नहीं होता, वही 2-3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, कोई लेता है कोई नहीं लेता है। तो पीवीसी में भी ये अंतर है। तो इस तरह की जो पीवीसी निकलेगी ये नहीं चलती है, और ये रबड़ वाली जो पीवीसी है ये बिकती है। इसका प्राइस कलरफुल में अगर आप मान के चलो तो लगभग 25 से 30 रुपए किलो का इसका लगभग प्राइस है। ये B10 मॉडल है। मैं आपको ये सारा का सारा माल डबल कट पे 55 mm वाली पे भी मैं आपको निकाल के दिखा सकता था, इस मॉडल पे भी, लेकिन एक तो मैं आपको B10 पे निकाल के दिखाना इसलिए चाहता था कि लोगों को लगता है कि मशीन में ताकत कम होती है, मशीन में पूरी ताकत है, बस डबल कट का माल एक ही बार में 2 कट लग जाते हैं तो प्रोडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, इसलिए मैंने आपको सिंगल कट पे निकाल के दिखाया कि ये मशीन हमारी जो है सिंगल कट पे भी कितने हैवी माल तक काम करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेकर आते हैं आपके लिए फिर से, तब के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।